सभी का स्वागत है हमारे बीएसके विद्या सागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। मैं पल्लवी मैम आज आप सभी को बताने वाली हूँ विशेषण। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है, तो आज मैं फिर से एक विशेषण पे चर्चा करने वाली हूँ, विशेषण बताने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए, विशेषण संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर आदि, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। एक उदाहरण मैं बताती हूँ आप सभी को। जैसे कि काला घोड़ा, ठीक है, तो आप बताइए इसमें से विशेषण क्या बता रहा है? विशेषण ये है ना, काला घोड़ा विशेषण, ठीक है। और ये जो घोड़ा है ये आपको क्या बता रहा है? ये विशेष्य, यानी ये विशेष्य बता रहा है, ये संज्ञा आ गया, ठीक है। संज्ञा यानी इस संज्ञा के बदले यहाँ क्या आया? विशेषण। ये विशेषण क्या है? विशेषण काला और विशेष्य घोड़ा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण चार प्रकार के होते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? गुण विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा है परिमाण वाचक विशेषण। चौथा सर्वनामिक विशेषण। ये सब हमारे चार प्रकार के विशेषण है। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, पुराना, झूठा, सफेद, ये सब क्या है? गुणवाचक सफेद विशेषण, ठीक है। उदाहरण में देखिए क्या है, गाय का रंग सफेद है, तो इसमें जो है गुण, गुण क्या है? गुणवाचक कौन सा है इसमें? ये सफेद, ये सफेद गुणवाचक विशेषण है। दूसरा उदाहरण है मंजू का घर पुराना है, तो मंजू का घर पुराना है, तो मंजू का घर पुराना, ये पुराना क्या है? आपका गुणवाचक बता रहा है। बोलते हैं ना राम झूठा है, तो राम झूठा है, तो वहां पे जो है गुणवाचक जो है वो झूठा है, ठीक है, वो क्या है? झूठा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संख्या या सर्वनाम की संख्या और बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किताबें, 4 मित्र, कुछ छात्र, 7 दिन आदि, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण यानी संख्या का रूप है। उदाहरण में देखिए, मेरे पास 10 किताबें हैं, मेरे पास 10 किताबें हैं, तो यहाँ पे जो है संख्या का जो विशेषता बता रहा है, विशेषण बता रहा है संख्या का, वो क्या है? ये 10 है। 10 क्या है आपका? संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये यही हुआ। और ये क्या है कि सीता के 4 मित्र हैं, सीता के 4 मित्र हैं, सीता के जो 4 मित्र हैं वहां पे विशेषण क्या बता रहा है आपका? संख्या विशेषण क्या बता रहा है? 4 मित्र, ठीक है, क्या बताएगा? 4 मित्र यानी 4, ये 4 बताएगा क्या? संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा नंबर में देखिए क्या है, तीसरा में है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी नाप तौल, कुछ भी हम लोग नाप तौल करते हैं, जैसे कि दूध पानी भी तो होता है, ठीक है। तो जैसे है 1 किलो घी, तो वहां पे जो है परिमाणवाचक विशेषण क्या बता रहा है? 1 किलो घी, ये क्या बता रहा है? 1 किलो, 1 किलो क्या बता रहा है आपका? परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। 2 किलो दूध, 2 किलो दूध, तो यह परिमाणवाचक क्या बताया? 2 किलो दूध, ठीक है। जैसे और एक है कम लोग, थोड़ा पानी, ये सब क्या है? ये सब आपका परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। चौथा क्या है आपका? चौथा देखिए सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है? सर्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले
किताबें हिंदी व्याकरण है, इसमें जो सर्वनामिक जो है सर्वनामिक विशेषण ये कौन सा है? ये यह क्या है आपका सर्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है? वह आदमी घर जा रहा है, वह आदमी घर जा रहा है, तो वह क्या बता रहा है आपका? ये सर्वनामिक विशेषण बता रहा है वह। ये किसकी कलम है? ये किसकी पेन है? ये किसकी कलम है? ये जो हम बताए कि ये किसकी कलम है, तो यहाँ जो सर्वनामिक विशेषण जो बता रहा है आपका ये क्या बता रहा है आपका? सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये सब हमारा क्या था? विशेषण। ये सब विशेषण थे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबा देना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी वो आप तक